बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसपे हम कहते हैं कि कल करेंगे और वो कल कभी आता ही नहीं है फाइन सो यू नीड टू हैव दिस ये कई बार हमने डिस्कस किया है ना कई बार हमने डिस्कस किया है क्योंकि uh, इस चीज़ का इम्पोर्टेंस ये जो पॉइंट है uh, कि किस तरह से जो टाल मटोली की आदत है प्रोक्रेस्टिनेशन है उसको आप डील कर सकते हो वाई वी आर एम्फरसाइजिंग ऑन दिस अगेन एंड अगेन बिकॉज जब आप इससे डील कर लेते हो यू कम इन टू एक्शन मोड है ना एक्शन आपका एक जो है उस मोड में आप आ जाते हो हर चीज़ के ऊपर आपका काम करना स्टार्ट हो जाता है जैसे टेस्ट सीरीज है कल से ज्वाइन करनी है है ना आंसर राइटिंग है कल से लिखना है ये टॉपिक है हार्ड लग रहा है कल से शुरू करेंगे और पता नहीं चलता कब एक महीना निकल जाता है फिर आप चार पाँच दिन करते हो फिर एक महीना निकल जाता है तो इससे जो आपका कॉन्फिडेंस है ये उसको लूज़ करता है ना ये चीज़ें इतनी आसान नहीं है कॉन्फिडेंस आपका लूज़ होता है इससे आपका अपने अंदर जो बिलीफ है सेल्फ बिलीफ है वो थोड़ा थोड़ा आपको डाउट क्रिएट होने लग जाता है कि पता नहीं मैंने डिसाइड तो कर लिया वेदर आई विल बी एबल टू अचीव दैट गोल और नॉट है ना आप अपनी जो सेल्फ वर्थ है उसको क्वेश्चन करने लग जाते हैं आपका सेल्फ स्टीम डाउन होता है एक इतनी छोटी सी आदत से इतने सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहे हैं है ना सो वाई नॉट टू इम्प्रूव दिस है ना क्यों ना इसको स्टार्ट किया जाए जब भी आप कहें कि कल करेंगे अपने आप को क्वेश्चन कीजिए कि क्या आज पॉसिबल नहीं है क्या अभी पॉसिबल नहीं है अभी ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम है जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइन कुछ भी आप कर रहे हो तो इसको थोड़ा सा कीजिए इससे क्या होगा इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह होगा कि आपका जो सेल्फ बिलीफ है अपने आप में जो विश्वास है है ना दैट आई हैव दिस एबिलिटी आई हैव दिस कैपेसिटी टू अचीव द गोल तो जो भी मैंने चीजें डिसाइड की है वो मैं अचीव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जब ये चीज आप में आने लग जाएगी सो यू विल स्टार्ट सींग द चेंजेस डेफिनेटली चेंज काफी तेजी से आएंगे और आप uh, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी आपका आउटपुट बढ़ेगा आपका जो रिजल्ट नहीं आ पा रहा था वो रिजल्ट आना स्टार्ट होगा फाइन सो मेक श्योर कि आप इस आदत को चेंज करें और स्टार्ट करते हैं ये टेलीग्राम है यहाँ पे आपकी डेली बेसिस पे पीडीएफ अपडेट होती है ठीक है इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट क्लास रिलेटेड अपडेट है, उसको यहाँ पे आपको मिल जाते हैं डाउट के रिगार्डिंग भी अप्रोच कर सकते हैं आ, ये आपका लिंक भी दिया हुआ टेलीग्राम का और डायरेक्ट नाम डाल के भी आप सर्च कर सकते हैं इसके अलावा ये अभी जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं घर बैठे कंप्लीट प्रिपरेशन आप कर सकते हैं अन अकेडमी आपको वो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल कराता है जो घर बैठे आप पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं लाइव क्लासेस डाउट सॉल्विंग ओके टेस्ट सीरीज आपका जो स्टडी मटीरियल है हर वो चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है और अभी ये जो ट्वेंटी फ्लैट ऑफ चल रहा है हर सब्सक्रिप्शन पर ये तो है ही और आपको जो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है जिसके अंदर आपका ऑप्शनल भी इंक्लूड हो जाता है प्रोलिम्स मेन्स और ऑप्शनल जी एस और ऑप्शनल और इस पर हैवी डिस्काउंट्स हैं और तीन महीने का फ्री एक्सटेंशन है तो इसके लिए आप जा सकते हो यूज़ द कोड आर बी लाइज सब्सक्रिप्शन लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मेक श्योर यू यूज़ द कोड आर बी लाइव सो दैट यू विल बी गेटिंग द पर्सनलाइज गाइडेंस वेन एवर यू फील कि कोई भी इशूज़ हैं तो आप वहाँ पर कंसल्ट कर सकते हैं और प्लस प्लेटफॉर्म को कैसे अफिशियटली यूज़ करना है उस पर भी चर्चा की जा सकती है स्टार्ट करेंगे स्टेट्स टू कैन डिफाइन द माइनॉरिटी स्टेटस ये जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन के रिगार्डिंग गया है और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ये कह रही है कि स्टेट को भी ये पावर है कि वो माइनॉरिटी स्टेटस को डिफाइन कर सकते हैं इसका पूरा कॉन्टेक्स क्या है ये देखेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों कहा है इसको भी हम चेक करेंगे देखिए काफ़ी सारे स्टेट्स इंडिया के अंदर ऐसे हैं जहाँ पे Uh, जो हिंदू कम्युनिटी है है ना वो स्टेट के अंदर माइनॉरिटी के अंदर है फाइन अगर हम यहाँ पे बात करें इफ यू टॉक अबाउट दिस फॉर एग्जाम्पल एज पर द 2011 सेंसस ये जो पिटिशन फाइल गई की गई है ना 2020 का ये पिटीशन फाइल किया गया था जिसमें ये कहा गया 2011 के सेंसस के हिसाब से वर इन माइनॉरिटी इन द लक्षद्वीप मिजोरम नागालैंड मेघालय जम्मू एंड कश्मीर अरुणाचल प्रदेश मणिपुर एंड पंजाब है ना तो इन जगह पे हिंदूज माइनॉरिटी में है दैट्स इन स्टेट्स दे शुड बी गिवन द माइनॉरिटी स्टेटस इन स्टेट में माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाना चाहिए क्यों ये कह रहे हैं कि इन स्टेट में माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ बेिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन दी एम टी एम ए पाई केस ये जो ये जो पाई रूलिंग थी 2002 वाली सुप्रीम कोर्ट की इसके अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया कि जो आर्टिकल थर्टी है आर्टिकल थर्टी में क्या है जो भी माइनॉरिटीज होती हैं उनको अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और ये सब मैनेज करने का अधिकार होता है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटीज होती हैं इनको कंसिडर करने के लिए आप स्टेट वाइज जा सकते हो एक तो होता है पूरे देश के अंदर हम देखेंगे कि कौन माइनॉरिटीज हैं कौन नहीं है तो अगर हम पूरे कंट्री की बात करें तो 1993 के अंदर एक नोटिफिकेशन आया और ये सेक्शन टू ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट इसका जो सेक्शन टू है इसको भी यहां पे चैलेंज किया गया है इस पटीशन के अंदर ये सेक्शन टू क्या कहता है ये सेक्शन टू में यहां पे कहा गया कि ये जो फाइव कम्युनिटीज हैं ना दीज आर द माइनॉरिटीज मुस्लिम्स हैं सिख हैं बुद्धिस्ट है बुद्ध पारसी क्रिश्चियस तो जो नाइन थ्री का ये uh, 93 में जो नोटिफाई इन्होंने किया या जो सेक्शन टू uh, है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज का इसको भी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली जो है यहां पे चैलेंज किया है कि इसके हिसाब से जो आपने uh, uh, ये माइनॉरिटीज को मेंशन किया है वन टू थ्री फोर फाइव ओके फाइव कम्युनिटीज आर देयर तो इसी कॉन्टेक्स में ये कह रहे हैं कि सारी जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसी कॉन्टेक्ट में यहाँ पे ये क्लैरिफाई किया है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कह रही है कि जरूरी नहीं है हम ही हमारे पास ही सारी पावर कंसनट्रेट है स्टेट्स भी यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं माइनॉरिटी स्टेटस को इस कॉन्टेक्ट में ये कहा जा रहा है और ये जो पटिशन है ये यही कह रही है कि 93 का जो सेंट्रल नोटिफिकेशन है इसे क्वैश किया जाए क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है

क्यों क्योंकि पोलिटिकली सेंसिटिव इशू है कोई भी गवर्नमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होना चाहती है तो अभी यहाँ पे क्या है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या है स्टेट्स यहां पे डिफाइन कर सकते हैं क्या वाकई में स्टेट्स करते हैं क्या वाकई में स्टेट्स करते हैं तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया दो का महाराष्ट्र का जहां पे उन्होंने चूज जो है है ना उनको माइनॉरिटी स्टेटस दिया है 2016 के अंदर महाराष्ट्र के अंदर नोटिफाई किया गया माइनॉरिटी कम्युनिटी किसको जूस को और इसी तरह से कर्नाटका द उर्दू तेलुगु तमिल है ना एटसेट्रा ये काफी सारी हिंदी गुजराती एज माइनॉरिटी लैंग्वेजेस तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो भी यही कहता है कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं दे हैव टू बी कंसिडर्ड स्टेट वाइज की इनको स्टेट वाइज कंसिडर करने की जरूरत है इस केस का नाम ध्यान रखना इस पर और चर्चा होगी ना, पाई ये केस है 2002 की रूलिंग थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 30 आर्टिकल 30 में क्या है आपके जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आपको अधिकार होता है उसके लिए आपको जो रिलीजियस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हैं वो स्टेट वाइज कंसिडर की जाएंगी मतलब स्टेट्स को ये यह यहाँ पे अधिकार है अब इसमें एक और चीज ये देखनी है क्योंकि देखिए काफी सारे जो स्टेट है वहां पे अगर आप देखोगे सो so स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो पर्टिकुलर स्टेट में जो मेजोरिटी कम्युनिटी है है ना दे आर गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी सो बिकॉज ऑफ दिस दिस पटिशन हैज़ बीन गिवन और यहाँ पे पॉलिटिकली सेंसिटिव है इसलिए कौन एक्शन लेता है ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक तरह से जो जिम्मेदारी है ऑनर्स है दैट हज प्लेस्ड ऑन द स्टेट्स स्टेट गवर्नमेंट है वो कर सकती हैं तो वो क्यों ना करें क्लियर ये क्लैरिफाई यहाँ पे किया गया है तो ये केस आपको पता चल गया होगा किस तरह से स्टेट्स को ये पावर है यानी स्टेट को पावर है तभी तो 2016 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको नोटिफाई किया स्टेट्स को पावर है तभी तो कर्नाटका ने नोटिफाई किया लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को महाराष्ट्र ने रिलीजियस माइनॉरिटी को नोटिफाई किया और यही सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे कह रही है कि जितने भी जो भी फॉलोअर्स हैं एंड एस्टेबलिश एन एडमिनिस्ट्रेट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस इन द दैड स्टेट जिस भी स्टेट में वो करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं क्योंकि जो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट है उनको ये पावर है ऐसा नहीं है कि सारी की सारी पावर हम हम ही ने उसको कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक द कॉल ऑन दिस मैटर क्योंकि ये कहा जा रहा था ऑन द बेसिस ऑफ दिस एन एक्ट है ना नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट स्पेशली सेक्शन टू के अंदर कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पावर है तो उसका सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे रिप्लाई किया और जो रिप्लाई है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है टी एम के इससे भी मिल रहा है नेक्स्ट हम आते हैं एमपी कोटा इन द केंद्रीय विद्यालय इसको क्वेश करने की बात की जा रही है देखिए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं आपकी जो भी कंस्टिट्युंसीज होगी आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कई जगह पे चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो फाइन तो जो भी रेस्पेक्टिव एम हैं या कई बार आप एम के पास गए होंगे है ना अपने जो भी कंस्टिट्यूंसी की हमें पार्लियामेंट जो है विजिट करना है पार्लियामेंट देखना है सो so, आप जा सकते हैं अगर आपको नहीं पता है ठीक है अगर आपको पार्लियामेंट अंदर से देखना है विजिटर्स गैलरी होती है जहाँ पे आम आदमी के बैठने की जगह होती है वहाँ पे जाके आप पार्लियामेंट की लाइव प्रोसीडिंग्स देख सकते हैं फाइन उसके लिए आपको जो एम होते हैं उनसे एक वो परमिशन वो लेनी होती है तो इट इज़ बिन अराउंड आई थिंक टेन ईयर्स जब मुझे ऐसा मौका मिला था तो इसके अलावा क्या होता है एम के पास में अगर आप जाएंगे तो आ, वहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्पेशली जो केंद्रीय विद्यालय हैं केंद्रीय विद्यालय हैं उसकी अगर हम बात करें तो केंद्रीय विद्यालय में इनको कोटा दिया जाता है एम का कोटा होता है तो वहाँ पर क्या होता है इनके एडमिशन होते हैं कि एम की अगर रिकमेंडेशन आती है है ना पर्टिकुलर जो बच्चा है उसे एमपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करना चाहिए चाहे वो लोकसभा है राज्यसभा है और उस बच्चे की अगर रिकमेंडेशन दी है है ना एमपी की तरफ से वो जो भी लेटर वगैरह जो भी जा रहा है तो उस बच्चे को एडमिशन दिया जाता है और ये कब से आपका स्टार्ट किया गया नाइनटीन में एक स्कीम आई थी तब से ये स्टार्ट किया गया है केंद्रीय विद्यालय संगठन जो पूरा केंद्रीय विद्यालय को मैनेज करता है इंडिया के अंदर वहां कोटा एडमिशन के लिए लाया गया और रिकमेंडेशन भेजी जाती है फर्स्ट से नाइन्थ क्लास के लिए ninth, अगर फर्स्ट क्लास में बच्चा है नाइन्थ क्लास तक फर्स्ट से नाइन्थ के बीच में अगर बच्चा है उसकी रिकमेंडेशन दी जाएगी पहले शुरुआती दौर के अंदर जो है ये Uh, जो है केवल दो एडमिशन रिकमेंड कर सकते थे एमपी है ना ईच एमपी दो एडमिशन फिर ये बढ़ा फिर पांच हुआ फिर छह हुआ फिर दस हो गया है ना 2016 में ये 10 हो गया करंटली विथ 543 एमपीस एंड लोकसभा लोकसभा में है 543 245 इन द राज्यसभा तो टोटल नंबर ऑफ एडमिशन कितने हो गए लगभग 7880 हर साल कोटा के थ्रू 7880 ऑलमोस्ट 8000 एडMISSIONS रेकमेंड किए जाते हैं क्लियर है तो इसके नुकसान क्या है और फ़ायदा क्या है देखिए फ़ायदा एम के परस्पेक्टिव से ये है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी uh, को रिप्रजेंट कर पा रहे हैं लोगों की मदद कर पा रहे हैं बट इसमें एक फ्लिप साइड भी तो है जो मेरिट के बेसिस पे जो स्टूडेंट का सिलेक्शन होना चाहिए उनको नुकसान हो रहा है क्योंकि देखिए आप आठ आठ हज़ार सीटें यहाँ पे हैं फाइन दिस इज़ नॉट ए स्मॉल नंबर इसके अलावा एक और रिजर्वेशन और ऐड था जिसे लास्ट ईयर एबोलिश किया गया अब यहाँ पे भी बीच में हटाया गया फिर ला दिया गया बीच में हटाया गया फिर ले आए ऐसा हुआ है इस कोटा के रिगार्डिंग एक और है जिसमें जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो दो हजार अठारह ईयर में एमपी तो तो कोटा, कोटा से लगभग 8000 से ज्यादा स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है जबकि सेंक्शन जो स्ट्रेंथ है वो सात हजार आठ सौ ये रटने की बात नहीं है जस्ट टू मेक यू अवेयर व्हाट इज जो एजुकेशन मिनिस्टर्स जो देते हैं Uh, उसके हिसाब से नौ हजार चार सौ इसको स्क्रैप कर दिया एजुकेशन मिनिस्टर वाला चार सौ वाला Fine. अब इसको हटाया गया था नाइनटीन नाइनटी सेवन के अंदर इसको हटा दिया था एमपी कोटा को फिर वापस ले आए थे फॉर वाट एवर रीजन और अभी ये फोर फिफ्टी वाला जो एजुकेशन मिनिस्टर जो कोटा देते हैं चार सौ स्टूडेंट का उसको इन्होंने हटा दिया अब यहाँ पे पूरा इशू क्या आ रहा है पूरा इशू ये है कि यहाँ पे एक एमपी हैं उन्होंने ये कहा कि हमें एक एमपी को केवल और केवल दस बच्चों का एडमिशन करने का ये दिया जा रहा है पावर अब लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसीज होती, है, बहुत होती है। हैं बहुत बड़ी होती हैं राज्यसभा की जो है बहुत बड़ी हैं फाइन राज्यसभा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पूरा स्टेट ही हो गया तो लोकसभा की भी अगर हम देखें पंद्रह से बीस लाख लोगों को मिनिमम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मोर देन दैट तो उसके कॉन्टेक्ट में कह रहे हैं कि वो दस बच्चे हमें क्यों दे रहे हो इसको बढ़ा दो या तो पचास बच्चे करो या फिर इसको हटा दो क्या कहा जा रहा है या तो इसे आप बढ़ा दो दस से आप पचास कर दो ये जो कोटा है क्योंकि दस बच्चे सफिशियंट नहीं है एक एम जो है लगभग तीस लाख के आसपास लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास इतनी सारी रिक्वेस्ट आती हैं अगर हम सबको मना करेंगे लोग नाराज हो जाते हैं या तो आप इसको बढ़ाओ हमें थोड़ा सा स्कोप दो या फिर इसको हटाई दो ताकि नाराजगी हट जाए कि इनके पास पावर ही नहीं है तो फिर कैसे रिकमेंड करेंगे सो दिस इज द ओवरऑल आइडिया और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है और इसको इसको हटाने के फेवर में चर्चा चल रही है ना कि क्यों ना इसको हटा दिया जाए क्यों क्या रीजनस है एक तो ये हो गया कि कोटा की वजह से इतने सारे स्टूडेंट जा रहे हैं लगभग पंद्रह हजार के आसपास पास थे दो हजार अट्ठारह उन्नीस में तो इतने सारे जा रहे हैं तो मेरिट के बेसिस पे जिस बच्चे को एडमिशन मिलना चाहिए उसका हट गया फिर यहाँ पे टीचर स्टूडेंट जो रेशो है वो आपका वो चेंज हो रहा है क्यों क्योंकि जितनी सेंक्शन स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा आप यहाँ पे लेके आ रहे हो सो एक तो क्या कर रहा है टीचर स्टूडेंट रेशो को डिस्टॉर्ट कर रहा है डिप्राइव कर रहा है मेरिट मेरिट मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को उनको जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए वहाँ पे पढ़ने की क्योंकि बहुत ही नॉमिनल फीस पे बहुत अच्छी एजुकेशन केंद्रीय विद्यालय में मिल जाती है ये आप सभी को पता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी वहाँ पे चली जाती है इसलिए इसको स्क्रैप करने की बात की जा रही है क्या स्क्रैप किया जाना चाहिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि देखिए इसको कंटिन्यू करने का कोई सेंस नहीं निकलता इसमें पचास तो भूल ही जाइए आप पचास करना तो क्यों नहीं बनता बिकॉज एम uh, के पास में और बहुत सारे तरीके हैं है ना टू सर्व अगर आप लोगों को सर्व करोगे क्योंकि ये एक तरह का जो आपने डिस्क्रिशनरी पावर एमपी के पास दे दिया है है ना उससे जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है ना ठीक है सो दिस इज ऑल देखते हैं किस तरह से रहता है लेकिन इसको लाया गया फिर हटाया गया फिर लाया गया तो इस बार ऐसा ना हो हटा दिया जाए फिर वापस ले आए तो इस पर चर्चा चल रही है नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल रिलेशन पे एंड दिस इज़ अबाउट द एंटी इंडिया कैंपेन इन मालदीव मालदीव में जो एंटी इंडिया कैंपेन चल रहा है उसकी चर्चा की जा रही है और अभी हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी भी विजिट यहाँ पे है उस कॉन्टेक्ट में इसको देखते हैं देखिए मालदीव्स का जो लोकेशन है प्लीज़ हैव है लुक मालदीव की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है केवल पाँच लाख की पॉपुलेशन है बट लुक एट द स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ मालदीव है ना ये मालदीव जो है ग्रुप ऑफ आईलैंड यहाँ पे हैं इंडियन ओशन के अंदर स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है है ना वी हैव दिस इंडियन ओशन रीजन ऑब्वियसली इंडिया की तो प्रेजेंस है ही बहुत इंपॉर्टेंट लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे श्रीलंका जैसा कंट्री है या मालदीव है मालदीव का स्ट्रैटेजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दैट्स वाई चाइना हैज़ बिन ट्राइंग अ लॉट टू इंक्रीज इट्स इन्फ्लुएंस है ना यहाँ पे अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज करने का प्रयास कर रहा है अब uh, हमारे uh, जो uh, फॉरेन मिनिस्टर हैं विदेश मंत्री है वो यहाँ पहुँचे हैं तो उससे पहले ये पूरा स्टार्ट हुआ एक प्रोटेस्ट से स्टार्ट होता है यहाँ पे है ना ये कह रहे हैं हम रैली निकालेंगे और ये सब करेंगे इंडिया आउट स्लोगन है ना एंटी इंडिया कैंपेन ये इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है क्यों किया हुआ है इस पर भी हम आएंगे और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है वो है एम गवर्नमेंट ये जो एम पार्टी है ये क्या है प्रो इंडिया मानी जाती है एम पार्टी से बिलोंग करते हैं नशीद का नाम सुना होगा उनको कन्विक्शन था इसलिए मतलब कन्विक्ट किया गया था कोर्ट के द्वारा इसलिए वो नहीं बन पाया प्रेसिडेंट लेकिन वो एमडीपी पार्टी के ही हैं उनकी जगह इब्राहिम सोली को बनाया गया है तो प्रेसिडेंट अभी इब्राहिम सोली हैं है ना और इनकी जो एम एमडीपी पार्टी है ये प्रो इंडिया पार्टी है मतलब इंडिया के इंटरेस्ट को तो ध्यान में रखती है दूसरी जो पार्टी है वो है यू हैव दिस अब्दुल्ला यमीन अब्दुल्ला यमीन ये है ऐसा मानिए अपोजिशन पार्टी अब्दुल्ला यमीन वाली तो ये पार्टी थी इससे पहले ये जो एम गवर्नमेंट बनी दो में बनी इससे पहले लगभग छह साल तक ये यमीन की पार्टी थी और इसको चाइना का प्रॉक्सी माना जाता है कि जो चाइना है है ना चाइना जैसा बोलता है वैसा ये करते हैं तो जो अब्दुल्ला यमीन है ये एंटी इंडिया इनका वो रहता है सारे काम एंटी इंडिया रहते हैं तो इनके जो छह साल का जो टाइम पीरियड था अब्दुल्ला यमीन वाला वहाँ पे इंडिया के रिलेशन मालदीव से बहुत नीचे चले गए थे और वही वो पूरा टाइम पीरियड था जहाँ पे जहाँ पे चाइना ने अपने बी प्रोजेक्ट को एक्सटेंड किया इंडियन ओशन में अपना जो प्रेजेंस है उसको बढ़ाया है ना टू अ वेरी सिग्निफिकेंट एक्सटेंट लेकिन अब चीज़ें चेंज हो रही हैं जैसे ही दो में एम की गवर्नमेंट आई अब्राहम सोली बने यहाँ पे इंडिया के जो सिक्योरिटी कंसर्न है उनको ध्यान में रखा जा रहा है फाइन इंडिया के रिलेशनशिप भी इंप्रूव हुए हैं अलग अगर हम बात करें इससे पहले वाली जो अभी जो विजिट थी उससे पहले जो विजिट थी एस uh, जयशंकर जी की हमारे विदेश मंत्री की वहाँ पे हमने क्या किया था यू uh, जो हार्बर है इसको डेवलप करने की बात की थी फिफ्टी मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था डिफ़ेंस इक्विपमेंट परचेज करने के लिए हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं यहाँ पे जो कोस्ट गार्ड हैं वगैरह उनकी तो हमारा बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टेक है और मालदीव के अंदर हमारे शेयर्ड इंटरेस्ट हैं किस चीज़ के मेरी सिक्योरिटी रीजनल मेरी सिक्योरिटी एंड कॉम्बेटिंग टेररिज्म एक और चैलेंज यहाँ पे रहा स्पेशली ड्यूरिंग दिस अब्दुल्ला यमीन पीरियड यहाँ पे जो इस्लामिस्ट हैं है ना दे हैव ऑल्सो फाउंड ए हंटिंग ग्राउंड इन द कंट्री क्योंकि यहाँ पे इस्लाम वैसे भी एक स्टेट रिलीजन है एंड आप ये समझिए कि यहाँ पे एक तरह से है ना रिलीजन के बेसिस पे पोलराइजेशन क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है और ये भी एक नया इशू यहाँ पे है ऑलरेडी इंडिया और चाइना के बीच में ये कंट्री जो है मालदीव खिंचा हुआ है एक तरफ से चाइना यहाँ पे अपना इंक्रीज करना चाह रहा है और एक तरफ इंडिया इज देयर इंडिया हैज़ बिन ए हिस्टोरिकल पार्टनर अगर आप देखोगे स्पेशली इन द लेट ट्वेंटी एथ सेंचुरी तक ये रहा है ना मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है जो uh, यहाँ पे लीडर थे जिनको इंडिया ने बचाया भी था फाइन एक कू uh, प्लान हुआ था उससे इंडिया ने बचाया था सो आई एम नॉट गेटिंग द नेम ऑफ द लीडर तो इंडिया के बहुत अच्छे हमेशा से रिलेशन रहे लेकिन फिर हमने देखा कि uh, जैसे ही ये दो के बाद से आई थिंक डेमोक्रेसी की तरफ ये मूव किया है काफ़ी ऊपर नीचे चल रहा है और ये जो स्ट्रैटेजिक क्रॉस रोड्स है मतलब चाइना और इंडिया के बीच में यहाँ पे फंसा हुआ है अब यहाँ पे ये जो अब्दुल्ला यमीन वाली पार्टी है चाइना का पक्ष लेती है और इंडिया के जो भी इंटरेस्ट है उनके खिलाफ पूरा सब काम करेगी ठीक है दूसरी तरफ एम है जो इंडिया के पक्ष को भी ध्यान में रखते हुए चल रही है तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया अब ये जो एंटी इंडिया ये जो कैंपेन चल रहा है, है ना ये यहाँ पे जो अब्दुल्ला यमीन है इन्होंने ही इसको पूरा ऑर्गेनाइज किया है ठीक है ये पूरा यहाँ पे करने का प्रयास कर रहे हैं बिकॉज ही इज ट्राइंग टू मेक अ कांड ऑफ क्रिएट अ कांड ऑफ नरेटिव कि ये जो प्रेजेंट आपकी सरकार है इब्राहिम सोली वाली एम डी पी जो गवर्नमेंट है ये जो है मालदीव को बेच रही है ना इन्होंने मालदीव को इंडिया को बेच दिया समथिंग लाइक दिस दिस काइंड ऑफ प्रोपोगेंडा फॉल्स नरेटिव हिज ट्राइंग टू क्रिएट अपोजिशन के अंदर है कुछ करना पड़ेगा समथिंग लाइक दिस तो उसी वजह से ये जो एंटी इंडिया अभी कैंपेन है स्टार्ट हुआ था है ना तो एम डी पी गवर्नमेंट ने लॉ भी बनाया था पिछली बार भी हुआ था दो साल पहले भी ये आ, इसी तरह के इश्यूज हुए थे और इन्होंने ये लॉ बनाया कि जो एंटी इंडिया प्रोटेस्ट है जो हमारे नेबर से रिलेशन खत ख़राब करते हैं इस तरह के है ना प्रोपोगडा बेस्ड उनको नहीं किया जाएगा और ये पूरा इशू इस तरीके से चल रहा है तो ये थोड़ा सा इसकी ध्यान रखना मालदीव्स हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट नेबर है और स्पेशली हमारी जो मैरीटाइम इंडियन ओशन रीजन के अंदर इंडिया का जो स्टेक है इंडिया के जो तो, इंटरेस्ट है उसको इंश्योर करने के लिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मालदीव का कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है बट यहाँ पे सबसे बड़ी इशू है कि किस तरह की गवर्नमेंट रहती है उस पर बहुत बड़ा डिसीज़न रहता है सो दिस मच यू शुड नो फाइन इन मालदीप के अगर आप नॉर्थ में जाएंगे यू हैव दिस लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड इज देयर लक्षद्वीप और मालदीव को कौन सा uh, जो है डिग्री चैनल सेपरेट करता है ये क्वेश्चन है आपके लिए वी हैव लक्षद्वीप हियर लक्षद्वीप और मालदीव दोनों को कौन सा जो डिग्री चैनल है एट डिग्री नाइन डिग्री टेन डिग्री कौन सा सेपरेट करता है ये आपके लिए क्वेश्चन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इंडियन इकोनॉमी पे यहाँ पे आएंगे एंड इंडियन इकोनॉमी पे वी हैव दिस आर्टिकल फ्रॉम मिसाइल्स टू मील्स एंड काफ़ी लंबा चौड़ा यह आर्टिकल है है ना तो इसका मैं अगर आपको समरी बताता हूँ वट द ऑथर्स आर ट्राइंग टू क्रिएट काइंड ऑफ आइडिया हीयर ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि हमें सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा दिस इज़ फॉर श्योर इसकी चर्चा भारत ने भी करी स्पेशली डिफेंस के कॉन्टेक्स में इंडिया ने करी है तो हम यहाँ पे एक और चीज़ ऐड कर देते हैं कि डिफेंस इक्विपमेंट मतलब आर्म्ड uh, जो हमारे फोर्सेस हैं वो सेल्फ़ रिलायंट हो आत्मनिर्भर हो कि इंडिया को अपनी जो डिफेंस रिक्वायरमेंट है वो खुद ही पूरा कर लें किसी देश पर निर्भर होने की ज़रूरत ना हो क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है अगर हम दूसरे देश पर निर्भर हैं वहाँ से सप्लाइज़ नहीं आती है सो हाउ डू वी सपोज टू डील with आर सिक्योरिटी थिंग्स क्लियर तो हम कैसे डील करेंगे तो ये इतना क्रिटिकल एरिया है जहाँ पे हमें आत्मनिर्भर होने की जरूरत है कई बार भारत सरकार ने कहा कि इसको हमेशा से नेग्लेक्ट किया गया इतने क्रिटिकल एस्पेक्ट को आपने नेग्लेक्ट कैसे कर दिया फाइन अब इस पर चर्चा चल रही है धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा जो पेस ऑफ डेवलपमेंट है दिस इज वी डेफिनेटली नीड टू अप्रिशिएट द गवर्नमेंट फॉर दिस ठीक है जिस गति से हम अभी आगे बढ़ रहे हैं बट uh, अभी रोड काफ़ी लंबी है क्योंकि हमें जेन्यून आत्मनिर्भर भारत पे जाना है मैंने बताया भी था आपको जहाँ पे जो मेजर क्रिटिकल कंपोनेंट है किसी भी मिलिट्री uh, हार्डवेयर के वो इंडिया अगर खुद से बनाने लग जाए ऑब्वियसली थिंग्स विल टेक टाइम है ना ये ऐसा नहीं है जो हम कहते हैं ना कि हाथ में हाथ में सरसों नहीं उगता है समथिंग लाइक दिस सो इंडिया हैज़ बिन डूइंग दिस और स्पेशली हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा तो डिफेंस तो इक्विपमेंट की बात है यहां पे ऑथर कह रहे हैं कि हमें एग्रीकल्चर के परस्पेक्टिव से भी आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है तो इन्होंने ये, ये मील फूड को भी ऐड कर दिया ठीक है ना सेल्फ रिलायंस नॉट जस्ट इन मिसाइल एंड डिफेंस इक्विपमेंट बट ऑल्सो इन द फूड तो ये कह रहे हैं जो नारा लगाया था शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का फिर वाजपेयी जी ने जय विज्ञान ऐड किया है ना दिस बेसिकली द स्लोगन जय जवान जय किसान जय विज्ञान यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ इन दीज काइंडलोग ऑल्सो सिग्निफाइज द रोल

इनोवेशन uh, की पावर पे फोकस कर रहा है कि कैसे जो साइंस uh, है उसका इंपॉर्टेंस है हमारे देश की प्रगति के अंदर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा एट द एंड ऑफ दिस सेशन फोकसिंग ऑन द साइंस एंड साइंटिस्ट इज क्रिटिकल फॉर अटेनिंग द सेल्फ रिलायंस देखिए सबसे पहली बात है अब इसको आप एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल है ना पांच दस पंद्रह कितने भी एग्जाम्पल दे दीजिए कि साइंस का हमारे देश की प्रगति में क्या रोल है स्पेशली कोरोना के टाइम पे इतने सारे इन्वेंशन हुए इतने सारी नई टेक्नोलॉजीज आई और ये सब चीजें रही तो ये हमारा अगर हमें सेल्फ रिलायंट रिलायंट होना है आत्मनिर्भर बनना है तो हमें सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा क्यों क्योंकि आज के टाइम की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हम वी आर लिविंग इन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन फोर ये इंडस्ट्री फोर है इंडस्ट्री फाइव में हम मूव करेंगे तो ये क्या है हैवीली रिलायंट है ना हैवीली रिलायंट ऑन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज चाहे हम क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करें चाहे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग की बात करें ठीक है या ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी की बात है जो भी है तो ये लेटेस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी अगर इंडिया अपने दम पे इसको डेवलप नहीं कर पाता है सो वी कैन नॉट बी सेल्फ रिलायंट इन दैट सेंस उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह है रहे हैं और इसको इन्होंने एग्रीकल्चर के परस्पेक्टिव से इस आर्टिकल में लिया है एग्रीकल्चर जीएस पेपर थ्री में है और वहां से दो से तीन क्वेश्चन हर साल रहते हैं है ना उस पेपर के अंदर मे बी मोर देन दैट समटाइम्स बट सेल्फ रिलायंस इन फूड डज नॉट मीन दैट वी हैव टू प्रोड्यूस एवरीथिंग आर सेल्फ अब इन्होंने एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज कही क्या कहा कि सेल्फ रिलायंट का मतलब नहीं है कि प्रैक्टिकली जो भी चीजें हैं वो हमें सारी की सारी जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो खुद ही प्रोड्यूस करनी है वट द ऑथर इज ट्राइंग टू से कि हमें ये कोस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखना है कि अगर किसी चीज को हम यहाँ पे इंडिया में प्रोड्यूस करते हैं तो उससे हमें वाकई में फायदा है या फिर अगर हम उसको इम्पोर्ट कर लेते हैं तो उसमें ज्यादा फायदा है ठीक है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि हमें जो है कुछ जो कम्यूडिटीज है उस पर स्पेशलाइजेशन होना पड़ेगा जहाँ पे हमें कंपेरेटिव एडवांटेज है उन कमोडिटीज़ को हम एक्सपोर्ट भी करें लेकिन जहाँ पे हमें बिल्कुल ही एडवांटेज नहीं है फाइन तो वहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर हमारी सॉइल को नुकसान हो रहा है एग्रीकल्चर कंडीशंस कंडक्टिव नहीं है तो वहाँ पे ज़बरदस्ती उसको कल्टीवेट करने की जरूरत नहीं है वी नीड टू फोकस ऑन अदर कम्योडिटीज़ जहाँ पर हम कंपेरेटिव एडवांटेज ले सकते हैं अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर इन्होंने मैंशन की है सेल्फ रिलायंट इंडिया के रिगार्डिंग इस पर भी हम आएंगे इसको लास्ट में हम लेंगे जो लास्ट ये वाली लाइन है इस पर मैं लास्ट में आऊँगा वट इज इट दैट गिवस द कंट्री एन एज ओवर दटेटिव एडवांटेज हमें हमेंटिव एडवांटेज कैसे मिलेगा है ना इन कम्पेरिजन टू अदर कंट्रीज इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट जैसे हमें ग्रीन रिवोल्यूश हरित क्रांति हुई हरित क्रांति के अंदर रोल किसका था टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का था हमें हाई योग वेराइटी सीड्स मिले क्या मिले हाई योग वेराइटी सीड्स मिले और फिर इनको जो इनपुट थे वो गवर्नमेंट ने इंश्योर किए कि इनको इनपुट दिया जाए फार्मर्स को इंसेंटिवाइज किया जाए विद्प ऑफ एम एंड अदर फाइनली इसके रूट के अंदर एरिया ऑफ एग्रीकल्चर यहाँ पे हमारी रिसर्च है और इसको इन्होंने काफी एग्जाम्पल दिया इवन कहा कि इकोनॉमिक सर्वे ने ये कहा है ना इस तरीके से तो जो क्रक्स है वो क्या है कि हमें एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर और डेवलपमेंट में एग्री आर एन डी के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा दिस इज दईडिया ऑफ दिस होल आर्टिकल ये जो लंबा चौड़ा सा आर्टिकल था इसमें पूरा का पूरा आइडिया यही था कि अगर आपको एक कंपेरेटिव एडवांटेज लेना है अगर आपको आत्मनिर्भर बनना है फूड प्रोडक्शन के रिगार्डिंग इन मेजर कमोडिटीज़ तो हमें एग्रीकल्चर में रिसर्च डेवलपमेंट करना होगा ये जो भी खोज होती है रिसर्च डेवलपमेंट इसको एक्सटेंशन करना होगा एक्सटेंशन करने का क्या मतलब है जो एक्सटेंशन सर्विसेज होती हैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज वो क्या करती हैं मान लीजिए हमारे कोई रिसर्च इंस्टीट्यूश ने इंस्टीट्यूट ने कोई खोज की कोई नई तकनीक विकसित की, लेकिन फार्मर को तो पता ही नहीं है कि कोई नई तकनीक है भी क्या। इंपॉर्टेंस so न्यू okay, करने की बात तो छोड़ दीजिए अगर उसको पता ही नहीं है, तो इसलिए extension जरूरी है from lab to the land. इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र वगैरह की की है पूरी की पूरी उसको यूज करना। Investing in, uh, irrigation to boost the टेकिंग फ्रॉम द फार्मर्स फील्ड टू कंज्यूमर्स टेबल मतलब ये जो मार्केट रिलेटेड इनफिशेंसीजीजीजीजीजी है इनको कम करना और एग्रीकल्चर की सप्लाई चेन को बूस्ट करना तो ये सारे चीजें ये कह रहे हैं और इनमें सबसे ज्यादा एम्फेसिस इन्होंने किस पे किया एग्रीकल्चर की रिसर्च एंड डेवलपमेंट एग्री आर एन पे अब कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो है हम चाहते हैं कि एग्री आर एन पे जो खर्चा हो वो एग्रीकल्चर की जो जी डी पी है मतलब एग्रीकल्चर का जितना टोटल आउटपुट है उसकी जो मार्केट वैल्यू है मान लीजिए सौ रुपए है तो उसका एक परसेंट तो यहाँ पे खर्चा कर दो है ना एक रुपया तो जो एग्रीकल्चर की जो जीडीपी है जो हमारी टोटल जीडीपी में लगभग अगर हम प्राइमरी सेक्टर को लें बीस प्रतिशत के आसपास है तो एग्री जीडीपी का लगभग एक प्रतिशत तो यहाँ पे खर्चा करना बनता है फाइन ये कह रहे हैं कि मिनिमम इतना आप यहाँ पे पैसा दोगे तभी तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा अपने आप तो होगा नहीं यू विल हैव टू प्रोवाइड द फाइनेंसिंग ऑफ दिस एक्टिविटीज अभी कितना हो रहा है एग्रीकल्चर के लिए कह रहे हैं ऑफ एग्री जीडीपी होना चाहिए और एट जीरो पॉइंट सिक्स परसेंट कितना है तो ये कह रहे हैं जस्ट इसको डबल करने की जरूरत है क्या करने की जरूरत है डबल करने की जरूरत है इससे क्या होगा इससे डेफिनेटली हमें जो एडवांटेज मिलना चाहिए कंपेरेटिव एडवांटेज मिलना चाहिए वो मिलना स्टार्ट होंगे फार्मर्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ना स्टार्ट होगी क्लियर एंड डेफिनेटली फार्मर की इनकम लेवल को भी कहीं ना कहीं इस मदद से बढ़ाया जा सकता है फिर ये कह रहे हैं कि हमें हमारी डिपेंडेंस इम्पोर्ट पर कम करनी होगी स्पेशली इन द एरियाज लाइक एडिबल ऑयल एडिबल ऑयल एक ऐसी चीज़ है जो हमारी स्टेपल डाइट का पार्ट है स्टेपल डाइट का पार्ट है खाद्य तेल की हम बात करें और खाद्य तेल जो है भारत 55 प्रतिशत के आसपास 55 फाइव टू सिक्सटी परसेंट हम क्या करते हैं इंपोर्ट करते हैं इंपोर्ट करते हैं विद द कंट्रीज लाइक जैसे पाम ऑयल हमने मलेशिया से कर लिया इंडोनेशिया से कर लिया पाम ऑयल जितना भी इम्पोर्ट होता है उसमें लगभग आप मान के चलिए यू हैव दैट थर्टी मोर देन थर्टी परसेंट पाम ऑयल है और पाम ऑयल हम मलेशिया इंडोनेशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं अगर वहाँ पर प्राइस बढ़ जाएगी तो इंडिया के अंदर भी प्राइस बढ़ जाएंगी जैसा हमने देखा पिछले कुछ टाइम में जो एडिबल ऑयल्स हैं इनकी प्राइस बिल्कुल बहुत तेज़ी से बढ़ी है बहुत तेज़ी से बढ़ी है अब और पाम ऑयल में अब जैसे रशिया यूक्रेन चल रहा है तो सनफ्लावर ऑयल हमें यूक्रेन से मिल रहा है मेजर प्रोड्यूसर है यूक्रेन पहले ड्रॉट रिलेटेड इश्यूज थे यूक्रेन में तो उसकी वजह से थोड़ा सनफ्लावर का प्रोडक्शन कम था वो प्राइस बढ़ रही थी अब तो रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है तो सनफ्लावर की सप्लाई बाधित होगी तो सनफ्लावर ऑयल की प्राइस बढ़ जाएगी इधर से पाम ऑयल की प्राइस बढ़ रही थी क्यों क्योंकि मलेशिया में लेबर शॉर्टेज थी बिकॉज ऑफ कोविड नाइन्टीन इंडोनेशिया के अंदर क्या इश्यू थे वो अपने जो बायोडीजल है उसके लिए उसको डाइवर्ट कर रहे थे तो क्या हो गया सप्लाई कम हो गई डिमांड बढ़ गई प्राइस बढ़ गई तो इस तरह के इश्यूज है सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन इज देयर विद द सोया ऑयल सोया ऑयल हम ब्राजील जैसे कंट्री से वहां से ले रहे हैं ब्राजील अपने इथेनॉल के लिए उसको डाइवर्ट कर रहा है तो वहां पे सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है प्राइस बढ़ रही है तो क्या इंडिया यहाँ पे इंपोर्ट इनको कम नहीं कर सकता भारत सरकार ने एक मिशन इस पर लॉन्च किया है पाम ऑयल पे भी हमने इनिशिएटिव लिया है तो दीज आर डेफिनेटली गुड कंडीशन है ना मतलब गुड इनिशिएटिव है बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी नीड टू एंश्योर वी नीड टू एंश्योर कि ये जो भी करंट चैलेंजेस हैं है ना उसके अंदर हम ध्यान रखें कि ये जो प्रोडक्शन है सस्टेनेबल रहें है ना क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए रहें और ऐसा नहीं हो कि हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको डिप्लीट कर दें पूरी तरह से सो so, ये सब चीज़ें ये ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बात कर रहे हैं दिस इज द थैंक यू प्राइवेट सेक्टर के कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं कि काफ़ी सारी जो कंपनीज हैं नाम इन्होंने लिया है है ना जो प्राइवेट सेक्टर की जैसे बायर हो गई यू हैव दैट महिंद्रा एंड ऑल तो ये कह रहे हैं काफ़ी सारी कंपनीज जो है यहाँ पे एग्री रिसर्च के अंदर भी इन्वॉल्व हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बना रही हैं जो क्या कर रहे हैं जो हमें हेल्प कर रहे हैं जैसे न्यूट्रेंट रिच फूड प्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे डिप्लीटिंग वाटर रिसोर्सेज को डील करने में हेल्प करेंगे जो इरीगेशन uh, को और ज़्यादा एफिशिएंट बना रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर का भी हम हेल्प ले सकते हैं

तो सिंपल फोर्टिफिकेशन में क्या होता है जैसे राइस फ्लोर है चावल है उसका आटा बनाया जाएगा फिर उसमें ऊपर से न्यूट्रिय डाले जाएंगे उसको मिक्स किया जाएगा फिर वापस से राइस पैलेट चावल के दाने बनाए जाएंगे वो हो गया फोर्टिफिकेशन एक अगर हम चावल ऐसी वेराइटी का ही आ, या कोई भी जो क्रॉप है ऐसी वेराइटी की ही क्यों ना डेवलप कर लें जिसके अंदर ऑलरेडी जो है न्यूट्रियट्स न्यूट्रियट्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिय्स में है ये कैसे पॉसिबल होगा एग्रीकल्चर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट कुछ होगा नई वेरायटीज डेवलप होंगी तभी तो पॉसिबल है तो ये फोर्टिफिकेशन का आप एग्जाम्पल लिंक कर सकते हो अगर क्वेश्चन है माल्यूट्रिशन पे हंगर पे फाइन, इसको आप वे फॉरवर्ड में इसमें लिख सकते हो। बहुत अच्छा ये एक so, इंडिया को अगर आप डेफिनेटली बनाने की बात कर रहे हैं बनाने की बात कर रहे हैं बट दिस शुड नॉट बी डन ओके बिहाइंड अभी इंडिया क्या कर रहा है जब से आत्मनिर्भर भारत अभियान हमने किया है सो so, uh, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है uh, जो टैरिफ है या आप कहिए जो इम्पोर्ट ड्यूटी है काफी सारे प्रोडक्ट्स पे उनको इंक्रीज की गई है वाई क्योंकि गवर्नमेंट इज ऑफ दिस ओपिनियन कि अगर हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री उस कंपटीशन को uh, नहीं डील कर पाएगी है ना अगर सस्ते प्रोडक्ट इंडिया में आते रहेंगे तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री कभी भी उस कंपटीशन के अगेंस्ट में खड़ा नहीं हो सकती टू सपोर्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री गवर्नमेंट हैज इंक्रीज़ द टेरिफ रेट्स कहीं पे कोटा फिक्स कर दिया जैसे एयर कंडीन के रिगार्डिंग कहोगे इतना ही आ सकते हैं ये सब चीजें कई जगह पे इम्पोर्ट को ही बैन किया हुआ है तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये हमें नहीं करना चाहिए व्हाई क्योंकि देखिए नाइनटीन से पहले क्या था कुछ इसी तरह से था है ना, ना बिल्कुल सेम तो कंपैरिजन नहीं करोगे लेकिन हम देखते हैं कि हाँ हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन के लिए ये हाई टैरिफ वॉल्स क्रिएट थी चाहे वो टेरिफ हो नॉन टैरिफ बैरियर हो बहुत ज्यादा बैरियर्स थे तो उस दौरान हमने देखा कि हाँ ठीक है हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन तो दे रहे हैं लेकिन उस दौरान एक और चीज हुई हमारी जो इंडस्ट्रीज थी उन्होंने देखा कि कंपटीशन तो किसी से है नहीं तो इन एफिशियंसीज क्रिएट हुई इन एफिशियंसीज जब क्रिएट होती हैं तो आपके एक्सपोर्ट जो है कभी भी ग्लोबल लेवल पर कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं तो इसी को ये कह रहे हैं जो कि वाकई में सच्चाई है कि अगर इसकी वजह से इनएफिशिय ब्रीड होती है है ना तो हाई कॉस्ट स्ट्रक्चर होंगी जो प्रोडक्ट दस रुपए का मिल रहा है वो यहाँ पे पंद्रह का मिल रहा है हमें भी नुकसान है और इंटरनेशनल लेवल पे ये कभी कंपीट नहीं कर पाएगा सो वी नीड टू बी वेरी वेरी कॉशियस अगर आप यूज कर रहे हो वी नीड टू बी वेरी वेरी कॉशियस ये जो प्रोटेक्शनिज्म की जो टेंडेंसीज हैं फाइन जो हमने टेरिफ नॉन टेरिफ बैरियर जो भी बढ़ाए उनको आप कैसे यूज कर रहे हो तो ये एग्रीकल्चर के अलावा पूरे इकोनॉमिक सेक्टर पे ही ये रहेगा और ये एक ऐसी थीम है ये एक ऐसी थीम है जिसपे डेडिकेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है आत्मनिर्भर भारत अभियान को टारगेट करके सो so, यू आप पूरा ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी प्रोटेक्शन नहीं देना चाहिए क्योंकि अभी फेज ऐसा है क्रिटिकल फेज है थोड़ा प्रोटेक्शन की जरूरत है बट वी नीड टू बी वेरी कॉशियस कि किस तरीके से वो देना है कहीं वो इन एफिशियंसीज तो ब्रीड नहीं कर रहा है ये सब चीजें आपको लिखनी है ना बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट पर नहीं चलना है क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट कुछ होता नहीं है ठीक है नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं इंडिया का जो स्पेस सेक्टर है प्रथम कह रहे हैं चाइना इज यूजिंग दिस डंपिंग तो वहां पे तो डेफिनेटली करेंगे ही ना दैट्स वी आर सेइंग ना पूरी तरीके से नहीं हटा सकते या जो भी डॉपिंग uh, तो खैर अलग मैटर है uh, लेकिन और भी बहुत सारे हैं दैट्स वी आर सेइंग कि हाँ बिल्कुल प्लेन में नहीं चलेगा कि बिल्कुल बंद कर दिया बिल्कुल चालू कर दिया वो सेक्टर स्पेसिफिक रहेगा और ये देखना है फाइन इंडिया स्पेस इकोनॉमी वैल्यूड एट थर्टी करोड़ लगभग थर्टी करोड़ पे है स्पेस इकोनॉमी श्रंख हो गया है और बिकॉज कोविड का भी रोल रहा है क्योंकि अगर हम देखें 2018-19 में ये जो वैल्यू था ये लगभग 43,000 करोड़ का था 2018-19 में 43,000 करोड़ थी तो अभी बढ़नी चाहिए लेकिन ये कम हुई है ऑब्वियसली द इम्पैक्ट वाज देयर ऑफ पेंडेमिक लेकिन एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है अगर इसको जी डी की परसेंटेज के रूप में देखा जाए जी की परसेंटेज के रूप में अगर हम देखेंगे तो दो हजार के अंदर जो एस्टिमेटेड साइज है इंडिया की स्पेस इकोनॉमी की जो एस्टिमेटेड साइज है 2011 में वो यहाँ पे बताई जा रही है 0.2% पॉइंट टू परसेंट जीरो पॉइंट टू सिक्स परसेंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस जगह पे ये कह रहे हैं 2011-12 में इंडिया की जो स्पेस इकोनॉमी है एज ए परसेंटेज ऑफ इट्स जी यह ये है जीरो दो हजार बीस इक्कीस के अंदर अगर आप देखोगे तो ये आ जाता है जीरो पॉइंट नाइनटीन परसेंट ऑफ जी डी पी ठीक है तो यहां पे देखिए देखने वाली बात ये है कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में घट रहा है दिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न एक तो ये हुआ और दूसरी बात यह है कि जहाँ पे एक तरफ इंडिया का जो रिसर्च एस्पेक्ट है ना मतलब जो हम कर रहे हैं इसरो का कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी अच्छा है लेकिन हमारा जो कंट्रीब्यूशन है चाहे स्पेस इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन हो वो बहुत कम है अगर इसको ग्लोबल लेवल पे देखोगे कि इंडिया के जो कॉन्ट्रीब्यूशन है ग्लोबल लेवल पर जो, जो मार्केट है है ना वहाँ पर इंडिया कितना कर रहा है सो दिस इज़ ऑलमोस्ट अराउंड थ्री केवल और केवल तीन प्रतिशत हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है ग्लोबल लेवल पर तो दैर्ट राय गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू ओके आइडेंटिफाई समॉर्चुनिटीज़ कैसे हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि इस रिसर्च बेस हमारा बहुत अच्छा है अगर हम देखते हैं चाहे वो स्पेस एप्लीकेशन हो स्पेस ऑपरेशन हो यहाँ पर बहुत अच्छा हम कर रहे हैं इसरो इतना अच्छा यहाँ पर कर रहा है सो वाई वी आर नॉट एबल टू इंक्रीज़ द साइज ऑफ़ स्पेस इकनॉमी ग्लोबल जो इस्पेस इकनॉमी है उसमें हम पार्टिसपेशन क्यों नहीं कर पा रहे केवल तीन प्रतिशत ही क्यों है ये सब चीज़ें तो इसके लिए भारत सरकार की तरफ से काफी प्रयास किए गए और ये प्रयास हैं 2020 में किए स्टार्ट किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत 2020 में इंडिया ने क्या अनाउंस किया था कि प्राइवेट सेक्टर जो है यहाँ पे एंट्री करेगा प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया था स्पेस को है ना स्पेस का प्राइवेटाइजेशन वो वैसे नहीं किया जा रहा है कि इसरो इस को प्राइवेटाइज कर दिया वो नहीं है प्राइवेट सेक्टर के लिए आपने यहाँ पे खोल दिया इसका क्या मतलब होगा आने वाले टाइम में जो भी प्राइवेट कंपनीज़ है जो भी पार्टिसिपेट करती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल रिलायंस है अडानी है टाटा है जो भी करेगी आप देखोगे कि हाँ वो सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं कोई इंटरप्लेनेटरी मिशन है है ना आ, वो वहाँ पे भेजा जा रहा है जैसे आ, मार्स मिशन भेजा गया था इस तरीके से सो so, गवर्नमेंट ने यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के लिए ये खोला और कहा कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करेंगे प्राइवेट कंपनीज़ के लिए चाहे वो सैटेलाइट लॉन्च हो स्पेस बेस्ड सर्विसेज़ हो और हम चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे एंट्री करे क्योंकि क्योंकि गवर्नमेंट ने ये आइडेंटिफाई किया कि गवर्नमेंट अ लोन उसके पास ना तो कैपिटल रिसोर्सेज हैं या फिर हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो दोनों में ही हमारे पास लिमिटेशन है उस लिमिटेशन को उस गैप को फिल करने के लिए प्राइवेट सेक्टर की ज़रूरत है इसलिए हमें ये करना है अब ये गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी है उससे कह रही है अगर आप देखोगे नासा के कॉन्टेक्स में देखते हैं तो नासा ने जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन लिया है ना वो बहुत ही काबिल तारीफ है और आज अमेरिका में प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है स्पेस एक्स बहुत अच्छी एग्जाम्प है एलन मस्क की जो स्पेस एक्स है वो बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है तो प्राइवेट सेक्टर को ये कह रहे हैं कि अलाउ किया जाएगा इसरो इस जो है इसरो की फैसिलिटीज को यूज करने के लिए ठीक है और ये पूरा हम प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल रहे हैं सो so, इसी के आ, साथ इन स्पेस को भी लाया गया अगर आप देखेंगे इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर इसको भी लाया गया इसका पूरा नाम ध्यान रखिएगा और ये क्या करेगा ये जो प्राइवेट कंपनीज हैं इनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट कर रहा है ऑलरेडी एन है एन क्या करता है कमर्शियल आर्म की तरह काम करता है किसके इसरो के कमर्शियल आर्म की तरह काम करेगा एन अंतरिक्ष इज ऑलरेडी देयर अंतरिक्ष ऐसा मान लीजिए अंतरिक्ष एन एस आई एल के अंडर अंडर ही काम कर रहा है अंतरिक्ष के अंतरिक्ष की बजाय अब सारा काम इसने एन एस आई एल ने लिया जहाँ तक इन स्पेस की हम बात कर रहे हैं इन स्पेस क्या करेगा प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा जैसे टेक्निकल सपोर्ट हो गया कैश इंटेंसिव फैसिलिटीज़ हो गया टेम्प्ररी फैसिलिटीज़ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में एस्टेब्लिश करना बिड के लिए रिक्वायरमेंट प्लेस करना पार्टनर इन साइंस एंड एक्सप्लोरेशन मिशन के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को इनक्रेज करना कि हाँ ये मिशन जा रहा है कि आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे उसके लिए जो भी चाहिए वो सारी चीज़ें देना दूसरी तरफ एन एस है एन इससे पुराना है इन स्पेस नया है और एन एस आई एल का क्या ऑब्जेक्टिव है ये यहाँ पे इन्शोर करेगा ट्रांसफ़र ऑफ स्मॉल सैटेलाइट टेक्नोलॉजी स्मॉल सैटेलाइट टेक्नोलॉजी टू इंडस्ट्री की इंडस्ट्री को जो भी प्रोडक्ट्स हैं मतलब कमर्शलाइजेशन हो गया जो भी प्रोडक्ट इसरो बना रहा है उसको कैसे जो है उसका कमर्शलाइजेशन किया जाए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एस एस एल वी इन कोलाब्रेशन विद द प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन मार्केटिंग ऑफ स्पेस बेस्ड प्रोडक्ट सर्विसेज ये सारा काम इसका है तो एन एस आई एल हमने बनाया है और इसके अलावा हमने इन स्पेस भी बना दिया तो देखते हैं अभी ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है ना अब किस तरह से इंडिया की जो स्पेस इकोनॉमी है ये बूस्ट करती है स्पेस इकोनॉमी में ये कुछ जो चीज़ें जो मैंने मैंशन की है इसको ध्यान रखना ये थोड़ा सा साइज ध्यान रख लेना एज परसेंटेज ऑफ जी ओवरऑल ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में हमारा कितना परसेंट है ये ध्यान रखिए और ये प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड इनिशिएटिव इन स्पेस और एन को भी ध्यान रखिएगा अगर क्वेश्चन आता है एक डेडिकेटेड क्वेश्चन एक्सपेक्ट आप कर सकते हो इंडिया की स्पेस इकोनॉमी पे एक अलग से पूरा का पूरा क्वेश्चन यूपीएससी दे सकता है इसलिए इसको हमने थोड़ा सा वापस देखा है एक तो यह हुआ कि अभी ये वाली न्यूज है जहां पे ये पूरा असेसमेंट किया गया बहुत ही आ, मतलब प्रोफेशनल लेवल पे असेसमेंट पे किया गया है आई के द्वारा ये है और इसके अलावा गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो प्राइवेटाइज प्राइवेट सेक्टर को अनाउंस ये किया है है ना इस पर कोई डेडिकेटेड क्वेश्चन नहीं तो है दैट्स द चांसेस आर वेरी हाई कि यूपीएससी मेन्स के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है इसलिए इसको ध्यान रखिएगा नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है साइंस एंड टेक पे है इंडिया ने टेस्ट फायर किए हैं इंडिया ने जो अभी चांदीपुर है है ना उड़ीसा के अंदर जो फायरिंग रेंज है टेस्ट रेंज है आपकी वहाँ पे कुछ मिसाइल्स हैं उनको टेस्ट फायर किया है टेस्ट फायर का मतलब क्या है एक तरह से रेडीनेस देखने के लिए कि ये टारगेट को हिट कर पाती है नहीं कर पाती हैं तो इस तरीके से किया गया है ऑफ़ टू सरफेस टू एयर मिसाइल्स है ना टू सरफेस टू एयर मिसाइल्स क्या हैं ये ये हैं आपकी एम आर एस एम मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स है सरफेस टू एयर मिसाइल क्या करती है यहाँ से सरफेस से इनको दागा जाएगा जैसे आप देख रहे हैं ठीक है और कोई भी एरियल टारगेट है कोई भी एयरक्राफ्ट हो गया ड्रोन हो गया उसको ये न्यूट्रलाइज करेगी इवन मिसाइल्स होती हैं उनको भी न्यूट्रलाइज ये करेंगे एम आर एस एम मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ये डी आर डी ओ और इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा इसको डेवलप किया गया है ये आप ध्यान रखेंगे और यहाँ पे आर्मी के लिए ये पूरा यहाँ पे किया गया था कि आर्मी का जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो पुराना हो रहा है उसको नया बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट किया जाए विद द हेल्प ऑफ दिस एम so, आर सो दो लॉन्च यहाँ पे इन्होंने किए गए है ना एम आर एस के अंदर एक तो ये ध्यान रखना सरफेस टू एयर है और ये इसराइल के कॉपरेशन से बन रहा है सेकेंड थिंग विल रिप्लेस द एजिंग एयर डिफेंस सिस्टम दिस इज़ फाइन और ये क्या है मल्टी फंक्शनल रडार है रडार क्या करेगा पता चल जाएगा कि अच्छा सामने से कौन सा एरियल टारगेट आ रहा है तो ये क्या कर सकती है मल्टीफंक्शनल रडार की हेल्प से मल्टीपल टारगेट को इंगेज कर सकता है मल्टीपल टारगेट को भी इंगेज कर सकता है मोबाइल लॉन्चर सिस्टम है आराम से इसका ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो ये भी एक बहुत अच्छी बात है किसी भी व्हीकल पे और ये आर्मी नेवी एयरफोर्स के इसके अलग अलग वेरिएंट है तो यहाँ पे ये जो वेरिएंट इन्होंने टेस्ट किया है ये आर्मी के लिए वेरिएंट्स को टेस्ट किया गया है जिसमें दो मिसाइल्स को ये जो बता रहे हैं इसमें क्या किया गया एक जो फर्स्ट लॉन्च था इसमें मीडियम एल्टीट्यूड पे

किसके सहयोग से डेवलप किया गया क्या? क्या क्या ये काम करता है दिस मच यू शुड नो ट्रांसपोर्टेशन इजी है इसका ये हम बात कर चुके हैं दिस कैन भी फायर इधर इधर सिंगल मोड और रिपलिंग फायर एक बार या तो आप एक ही फायर करो या रिपलिंग मोड मतलब एक के बाद एक के बाद एक फायर हो रहा है दोनों मोड यहाँ पे हैं सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम है इसको भी याद रखिएगा कि इसके अंदर जो थ्रस्ट है जो पावर है जनरेट हो रही है वो सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम के माध्यम से हो रही है इसकी स्पीड जो है मैक टू है मैक टू स्पीड है सुपरसोनिक कैटेगरी के अंदर एड हो जाएगा तो ठीक है इट कैन इंगेज मल्टीपल टारगेट अप टू द रेंज ऑफ सेवेंटी किलोमीटर तक ये जो Mac है, Mac क्या होती है साउंड की स्पीड है के नीचे सब सोनिक होता है और वन मैक के ऊपर फाइव मैक तक सुपर सोनिक होता है फाइव मैक से ऊपर हाइपरसोनिक होता है सो दिस इज ऑल वी आर ये क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है और ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कोई कंटेंट की जरूरत नहीं है एक परसेंट किसी भी कंटेंट की जरूरत नहीं है वजह से क्या इम्पैक्ट हुआ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट हो जाएगा फिर आपको बताना है क्या नए नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल तो वैक्सीन ही हो गया लेकिन आपको वैक्सीन हेल्थ केयर तक सीमित नहीं रहना है डिजिटल प्लेटफॉर्म की भी बात करनी है कि कैसे इस क्राइसिस को हमने डील किया है, ना? क्योंकि यहाँ पे है ये काम है मैनेजमेंट ऑफ द पेंडेमिक पेंडेमिक के मैनेजमेंट में टेक्नोलॉजी का क्यों रोल रहा आप कोविन एक्ट का मेंशन कीजिए आरोग्य सेतु को मेंशन कीजिए डिजिटल गवर्नेंस को मेंशन कीजिए पता नहीं कितने सारे एग्जांपल इस पर आप ऐसे लिख सकते हो आपको ऐसे नहीं लिखना है आपको टू फिफ्टी वर्ड्स के अंदर आंसर यहाँ पे लिखना है फिफ्टीन मार्क्स का ये क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन के लिए कोई भी कॉन्टेंट की जरूरत नहीं होती है और ट्राई टू राइट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन क्यों अलग से क्वेश्चन दिए जा रहे हैं क्योंकि बच्चे क्या करते हैं सर ने जो आर्टिकल पढ़ाया उस पर क्वेश्चन दे दिया तो वो जो आर्टिकल में कंटेंट है बस वही वहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है वो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस अलग अलग तरह की बॉल खेलोगे तभी तो प्रैक्टिस होगी नेक्स्ट so, यहाँ पे है आ, किसी भी क्वेरी के रिगार्डिंग आप यहाँ पे आ सकते हैं पीडीएफ सेशन का यहाँ मिलेगा डेली बेसिस पे हमारा सेशन रहता है नौ बजे के आसपास इसके अलावा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है जो अप्रैल फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट है इसमें आप एनरोल कर सकते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए एंड अन अकेडमी की तरफ से प्रॉब्लम्स की टेस्ट सीरीज दी जा रही है बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे तो ये टेस्ट आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं उसके अलावा ऑलरेडी मेरा एक इंडियन इकोनॉमी पे प्लस पे कोर्स चल रहा है ना जिसकी जो टाइमिंग है नाइन पी एम है नौ से ग्यारह so, तो और यहाँ पे हम विद इन वन मंथ पूरा सिलेबस कम्प्लीट कर रहे हैं इंडियन इकनॉमी का तो यहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है ना और वंस यू गैट द सब्सक्रिप्शन ऑन अकेडमी ऑल द कोर्सेज सब आपके फ्री हो जाते हैं जितने भी एजुकेटर के जो भी कोर्सेज हैं अन अकेडमी स्टोर पर जाकर अनकेडेडमिक प्रोडक्ट्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं राजेंद्र तो नगर में ओपन हो चुका है इसके अलावा सब्सक्रिप्शन रिलेटेड लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कीजिए पुट द कोड आर वी लाइव टू तो गेट मैक्सिमम डिस्काउंट सिमिलरली यू कैन गो फॉर आइकॉनिक या आइकॉनिक का फी स्ट्रक्चर अभी ये ट्वेंटी परसेंट ऑफर है जिस पर आपको ऑप्शनल फ्री दिया जा रहा है और तीन महीने का ऑप्शनल तीन महीने का एक्सटेंशन भी दिया जा रहा है ऑप्शनल फ्री इन द सेंस कि आपकी जो प्राइस है ना जो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन की प्राइस है वो ऑलरेडी इतनी कम हो गई है कि वो ऑप्शनल एक तरह से फ्री ही हो गया है आपका इसके लिए आप जा सकते हो लाइव मेंटरशिप बेनिफिट आइकॉनिक में मिल जाते हैं केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हो तो केवल ऑप्शनल की फ़ीस ट्वेंटी है और ऑप्शनल जी सारी फीस ये आपकी फोर्टी के अराउंड पड़ रहा है ठीक है ना फिफ्टी और फोर्टी जीरो परसेंट ई एम आई ऑप्शन इज ऑल्सो देयर ट्वेंटी ट्वेंटी थर्ड मार्च को बचेज स्टार्ट हुए हैं नए बैचेज आई थिंक आज से या कल से आपके स्टार्ट हो जाएंगे तो इनमें आप एनरोल कर सकते हो सो दिस इज़ ऑल डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल द बेस्ट हैव हैवे ग्रेट डे क्या है आपका क्वेश्चन वॉट इज योर क्वेश्चन एक बच्चे का क्वेश्चन है आई पी एल सीरीज आई हैव ऑलरेडी मैंशन कि आपके फर्स्ट वीक मतलब सात तारीख सात अप्रैल के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मंताशा कुछ पूछना चाह रहे हैं ओके सो हैव ए गुड डे